नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी में रार तेज होती जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग कांग्रेस की उपेक्षा कर रहे हैं और शर्मनाक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, वह दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। उन्होंने कपिल सिब्बल का नाम लिए बगैर कहा कि ऐसे नेता जो गांधी परिवार के करीबी हैं, मुद्दों को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने रखने के लिए स्वतंत्र रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस गुपकार गठबंधन में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के आंतरिक मामलों में ना तो कोई विदेशी दखलंदाजी स्वीकार की है और ना ही करेगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और पूछा कि जिस पीडीपी की वे आलोचना कर रहे हैं उसके साथ मिलकर उसने जम्मू कश्मीर में सरकार क्यों बनाई। उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगी। इससे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38,000 शिक्षा मित्रों को कट ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी। हालांकि सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा। शिक्षा मित्रों का कहना है कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 45% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखा गया था, लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65 से 60% कर दिया गया। ये गैर कानूनी कदम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी। चौहान ने कहा कि इस कैबिनेट के तहत 7 विभाग शामिल किए जाएंगे। उन विभागों के नाम हैं पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, गृह, राजस्व और किसान कल्याण विभाग। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास के बाद अब एक और बैंक पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी महाराष्ट्र के जालना जिले में ममता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर लगी है। आरबीआई के मुताबिक उसने इस बैंक को कुछ निर्देश दिए हैं जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 माह तक प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार ये बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधार नहीं दे सकेगा और ना ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण या कोई निवेश कर सकेगा। बैंक पर नई जमा राशि स्वीकार करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि आरबीआई ने पाबंदी का आधार नहीं बताया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कई नए कदम उठाते हुए शादियों में मेहमानों की संख्या घटाने का जो प्रस्ताव भेजा था उसे उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकार कर लिया है। यानी कि अब नए नियम के मुताबिक दिल्ली में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी तक इकट्ठे होने वाले लोगों की संख्या 200 थी। गुजरात में वडोदरा के वागोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर बुधवार सुबह 2 ट्रकों की टक्कर में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज वडोदरा के SSG अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी खेद जताते हुए ट्वीट किया है। बुधवार से दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम COVID-19 टेस्ट किया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिलाधिकारी सुहास एलवाई सहित वरिष्ठ अधिकारियों की एक ऑनलाइन हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ पूजा से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक श्रद्धालुओं को अपने घरों में या घरों से जितना संभव हो सके उतना नज़दीक पूजा करने की सलाह दी गई है। हालांकि इसके साथ ही पारंपरिक घाट और पूजा स्थल पर प्रशासन की ओर से व्यवस्था भी की जाएगी। इससे पहले दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने छठ पर्व के दौरान यमुना घाटों पर सार्वजनिक पूजा करने पर रोक लगाई है। हालांकि दिल्ली में बीजेपी इसका विरोध कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में कराए गए प्रांतीय चुनाव में इमरान खान की पार्टी बहुमत हासिल कर रही है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इमरान की पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया और मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर भी उतरे। PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी और PMLN की नेता पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान में रविवार को 23 सीटों पर चुनाव कराए गए थे, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है। रूसी संसद के निचले सदन डूमा ने एक विधेयक को समर्थन दे दिया है, जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके परिवार पर उनके राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद भी किसी भी तरह का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधनों का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में एक जनमत संग्रह में सहमति दी गई थी।
पुतिन के समर्थक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं। ब्रिटेन में साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। यह कदम ब्रिटेन सरकार की जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा जैसे उद्योगों में नई नौकरियों के सृजन की योजना के तहत उठाया जाएगा। ब्रिटेन सरकार का कहना है कि इस योजना से ब्रिटेन को 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को खत्म करने में सहायता मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक शीर्ष चुनाव अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जिसने मतदान में धोखेबाजी के राष्ट्रपति के दावों पर सवाल उठाए थे। ट्रंप ने कहा कि उनको मतदान के बारे में बहुत ज़्यादा गलत टिप्पणी करने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया। बता दें, 3 नवंबर को हुए चुनाव को ट्रंप बहुत बड़ी धांधली बता रहे हैं, तो चुनाव अधिकारी इस चुनाव को अमेरिकी इतिहास का सबसे सुरक्षित चुनाव बता रहे हैं। हैदराबाद आधारित दवा कंपनी भारत बायोटेक ने अपनी संभावित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस फेज में पूरे देश भर से कुल 26,000 वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। भारत बायोटेक इस ट्रायल को ICMR के साथ साझेदारी में करेगा। बताया गया है कि कोवैक्सीन का ट्रायल भारत में किसी भी कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल होगा। भारत में एक दिन में 38,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 474 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,12,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,46,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,55,00,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 13,37,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 3,89,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।